आज हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी BEO के लिए भूगोल विषय पढ़ने जा रहे हैं, ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का आप लोग जान ही रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है आपके किसी भी लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं में या कोई भी परीक्षा हम लोग देने जा रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो स्तर हैं ये BEO का या आप उससे ऊपर की तरफ किसी भी लोक सेवा आयोग में जा रहे हैं तो थोड़ा सा स्तर अच्छा रहता है। और जो भूगोल विषय है, ज्योग्राफी विषय है, उसमें देखें हम लोग तो भूगोल में हम लोगों को सामान्यतः परीक्षा की दृष्टि से चार पार्ट कवर करने पड़ते हैं। भूगोल को चार भागों में बांटकर हम लोग अध्ययन करते हैं। वो चारों भाग कौन कौन से होंगे उस पर थोड़ा हम लोग ध्यान दे लें तो हम लोग देखें भूगोल में सबसे नंबर एक पे आप लोगों का आता है खगोलिकी। खगोलिकी आएगा। नंबर दो पे देखा जाए तो विश्व भूगोल से प्रश्न आपसे बनते हैं, उसमें बताया जाएगा विश्व भूगोल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो भारत से पूछता है आप लोगों से प्रश्न, भारत से बनेगा। तीसरे नंबर पे आपसे मानचित्र से प्रश्न बनता है। ध्यान दें आप लोग, जो भूगोल है भूगोल को सामान्यतः चार स्तरों में बांटकर हम लोग अध्ययन भी करेंगे और चार स्तरों से परीक्षाओं में हमारे प्रश्न भी बनते हैं। खगोलिकी से बनेगा, विश्व भूगोल से, भारत का भूगोल से और मानचित्र से। और सबसे पहले हम लोग जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो खगोलिकी से ही करेंगे, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सी चीजों को खगोलिकी को पढ़ने के बाद आगे की चीजों को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे। खगोलिकी पढ़ लेंगे, खगोलिकी के बाद जो हम लोगों के अक्षांश देशांतर से संबंधित है, समय निर्धारण करने से संबंधित है, चीजों को समझते हुए चलेंगे, फिर विश्व भूगोल में उतरेंगे। विश्व भूगोल के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि मानचित्र कवर कर ले, या विश्व भूगोल में हम लोग पहुंचने के बाद कुछ चैप्टर पढ़ने के बाद हमेशा बीच बीच में मानचित्र भी कवर करते हुए चलेंगे। मानचित्र देखेंगे, लास्ट में हम लोग भारत को कवर कर पाएंगे, भारत को देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि जो हम लोगों का भूगोल है, इस भूगोल विषय में देखा जाए अगर प्रश्न कहां से बनते हैं तो वो प्रश्न आप लोग अगर देखें तो खगोलिकी में ब्रह्मांड से ही बनने शुरू हो जाते हैं। ब्रह्मांड से प्रश्न बनते हैं, ब्रह्मांड हमने पीछे वाले वीडियो में कवर किया है और फिर से कवर करके उसको हम आप लोगों को वीडियो जोड़ के देंगे आप लोगों को बीओ के लिए। अब इसमें अगर हम लोग देखें कि जो चैप्टर है वो चैप्टर आज ऑनलाइन में हम लोग कौन सा लेने जा रहे हैं, कौन सा देखने जा रहे हैं, तो चैप्टर हम लोगों का रहेगा सौर मंडल। कौन सा चैप्टर रहेगा? सौर मंडल रहेगा। सौर मंडल को इंग्लिश में सोलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। हम लोगों का जो चैप्टर है वो है सौर मंडल, जिसे सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। सीधी बात, आपसे कोई पूछ ले कि सौर मंडल है क्या, तो सौर मंडल, सौर मतलब सूर्य, सूरज, जो सूर्य है उसके इर्द गिर्द या उसका उसका जो परिक्रमण है, परिक्रमण करने वाले, या आप लोग देखें कि जो उसके रेंज में उसके गुरुत्वाकर्षण से बधे हुए आकाशीय पिंड होंगे उन्हीं को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहेंगे, सौर मंडल कहते हैं। तो सौर मंडल में हम लोग देखें क्या आता है, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि जो सूर्य के आकाशीय पिंड, चाहे वो ग्रह रहे, चाहे उपग्रह रहे, चाहे क्षुद्र ग्रह रहे, चाहे उल्का पिंड रहे, चाहे धूल बादल मेघ कुछ भी ले लें, जो आपके सूर्य का परिक्रमण करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसके गुरुत्वाकर्षण से बधे रहते हैं और उसके प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसी को हम लोग सौर मंडल कहते हैं। लेकिन हल्का सा हमको बैक चलने हैं सौर मंडल समझने के लिए, थोड़ा सा बैक चलें। ऐसा माना जाता है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड असीम है, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, ऐसा माना जाता है। उसमें हम लोग अगर देखें तो ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड एक बिंदु स्वरूप है। ब्रह्मांड कैसा है? एक बिंदु स्वरूप, कहीं एक कण था इस ब्रह्मांड में। इस यही अगर देखा जाए, जो कण है इसी कण को जितने भी खगोलज्ञ हैं वो मानते हैं कि यही मूल कण रहा होगा, जहां से ब्रह्मांड की शुरुआत होगी, जिसे फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे दूर या इस ब्रह्मांड में असंख्य कण रहे होंगे और वो जो कण है एक दूसरा कण, इस कण को ये लोग प्रतिकण कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रतिकण, एंटी पार्टिकल्स। ऐसा माना जाता है कि संयोग बस ये कण जो प्रतिकण है वो मूल कण में जाके चिपक जाए और मूल कण की संख्या एक से बढ़ के दो हो जाएगी और इसमें आकर्षण बल आएगा और इसमें धीरे धीरे करके बहुत ढेर सारे कण चिपकते चले जाएंगे।
और ये कण बताया जाता है कि हाइड्रोजन्स के बादल रहते हैं, हाइड्रोजन्स की मात्रा अधिक रहती है या गैसीय रूप में रहेंगे कण। तो इस प्रकार से ये जब बनता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो इसका आकार भी बढ़ता चला जाएगा। आकार बढ़ता चला जाएगा तो इसमें हम लोग देखें कि ऊपर से नीचे की तरफ जब आकार बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि उसका घनत्व, जो ये पूरा भाग रहेगा, उसका घनत्व, दाब और ताप तीनों में वृद्धि होगा। क्योंकि जब दाब बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा तो स्वाभाविक है तापमान में वृद्धि हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जो इसका केंद्र है, इस केंद्र में ज्यादा दाब बढ़ने की वजह से तापमान अधिक हो जाता है, और तापमान जब अधिक हो जाता है, लगभग 10 लाख सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच जाता है, तो हाइड्रोजन में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो जो हाइड्रोजन रहता है, चार हाइड्रोजन के अणु एक हीलियम में परिवर्तित होने लगता है, आग लग जाती है। तो अब आप लोग देख रहे हैं, एक बाहर से अंदर की तरफ फोर्स कार्य कर रहा था, जब उसमें आग लग जाती है तो यही बाहर की तरफ फोर्स करने लगेगा निकलने के लिए। जब बाहर की तरफ फोर्स करेगा निकलने के लिए, तो ऊपर से और ज्यादा बल जब लगता है तो इसको पैक करेगा, और ज्यादा दबाएगा इसको। और एक स्थिति ऐसी आती है कि ये अंदर वाला भाग अधिक ताप रखने के कारण इसी के केंद्र पे तेजी से धमाका करके फट जाता है। जब तेजी से धमाका करके फटेगा, मतलब विस्फोट नहीं बल्कि महाविस्फोट करके फट जाता है, जिसे हम महाविस्फोट या बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, जो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा, बिग बैंग थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं। इन्हीं से बताया जाता है कि धीरे धीरे करके हमारा आकाशगंगाओं का निर्माण होता है, तारों का निर्माण होता है। और ये पूरा हम लोग देखें तो ये लगभग हाइड्रोजन्स के बादल या धूल कण के बादल हैं, मेघ हैं, जिनसे निर्माण होता है। इसी प्रकार से देखा जाए कि तारों का भी जन्म होता है, किसी भी तारे का भी जन्म होता है, हल्का सा उसको भी कवर करते हैं हम लोग। ऐसा माना जाता है कि ये जो भाग था, इसी प्रकार से तारों का जन्म हो जाता है, और जो तारे हैं उन तारों का निर्माण जो होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम से होता है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम से होता है, जिसमें देखा जाए कि जो हाइड्रोजन है वो जलने के बाद हीलियम में परिवर्तित होता है, चार हाइड्रोजन जलने के बाद एक हीलियम में परिवर्तित होता है। इसी को हम लोग नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। इसमें देखा जाए कि जो हाइड्रोजन है और हीलियम है, ये है क्या, तो आप सीधा कहेंगे कि ये गैस है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, और ये है क्या, तो ये एक तारा है। तारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। बहुत इजी वे में हम लोग चले, ज्योग्राफी को जितना इजी वे में हम लोग समझेंगे उतना आसानी से हम ज्योग्राफी को, भूगोल को समझ पाएंगे। और ये जो हमारा पढ़ाने का मूल ध्येय है आप लोगों को, ये है कि हम लोग आसानी से बहुत इजी वे में जो प्री बेसिस है उसको कवर करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि जो मेंस है, मेंस में भी हम लोगों के कवर करेंगे, तो आपको देखना है इसको, बहुत सीरियस होकर आप लोगों को देखना है कि मेंस में भी हम लोगों को कवर करने हैं, बल्कि वहां लिखने पड़ जाएंगे और हमको यहां प्री बेसिस से देखने, प्री बेसिस में आपको चार ऑप्शन है उसके आधार पर करने हैं, तो उसी आधार पर हम लोग इसको कवर करते हैं, पहले देखते हैं। तो ये है क्या, तारा है। तारा बना किसका है, गैस का। गैस में कौन कौन सी गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम, चार हाइड्रोजन एक हीलियम में परिवर्तित हो रहे हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहते हैं। अब आपसे प्रश्न मैं करूं कि तारा किसे कहते हैं, स्टार किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि स्टार किसे कहेंगे या तारा किसे कहेंगे, जिसके पास खुद की या स्वयं की रोशनी हो, प्रकाश हो, ऊष्मा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। जैसे आपका सूर्य एक तारा है, छोटा तारा है, और ये तारे के पास खुद का प्रकाश है, स्वयं का प्रकाश है, और अपने प्रकाश से ग्रहों को, उपग्रहों को प्रकाशित करता है। तो स्टार का सीधा मतलब है जिसके पास खुद का प्रकाश होता है, उसी को ही हम लोग स्टार के नाम से या तारे के नाम से जानते हैं। और तारे बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के। ऐसा माना जाता है कि ये आपका तारा ब्रह्मांड में बन के, बल्कि देखा जाए तो मंदाकिनी, आकाशगंगा जो आपकी है, उसमें बन के ये तैयार होता है। ऐसा माना जाता है कि इसी तारे के बगल से एक बड़ा तारा इसी के काफी पास से गुजरने लगा, जिसे भेदता तारा, इंग्लिश में इसी को बोला जाएगा इंट्रूडिंग स्टार।
भेत्ता तारा इसके पास से गुजरने लगा। जब इसके पास से गुजरेगा तो स्वाभाविक बात है कि ये तारा इस तारे को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन आगे की तरफ बढ़ेगा। जब आपके तारे को, जिसका नाम सूर्य है, उसे अपनी तरफ खींचता है तो इसका कुछ भाग इस तरह से बाहर की तरफ आता है। जब ये काफी नजदीक होता है तो ये भाग टूट के इससे अलग हो जाता है ऐसे। लेकिन ये जो तारा हम इंट्रूडिंग स्टार देख रहे हैं, भेदता हुआ तारा, इसकी चाल इतना तेज रहती, इतना तीव्र रहता है कि कुछ ही सेकंड में ये इतना आगे निकल जाता है कि जो टूटा हुआ भाग है वो उस टूटे हुए भाग पे जो बल होता है वो बल सूर्य का ज्यादा कार्य करने लगा। किसके अपेक्षा? इस तारे के अपेक्षा, भेदता हुआ तारे की अपेक्षा। जब इस पर बल ज्यादा कार्य करेगा तो स्वाभाविक है ये तारा इस टूटे हुए भाग को अपनी तरफ खींचने लगेगा। थोड़ा सा रुके हम लोग, थोड़ा सा आप लोगों के दिमाग में पंच कर रहा होगा कि ये जब खींच रहा है तो इतना भाग ही क्यों आया, क्यों पूरा भाग नहीं आया? तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा भाग है वो किसका बना हुआ है, तो आप कहेंगे गैस का। गैस का और लिक्विड का ये रूल होता है कि आप जितने पे बल लगाएंगे उतना भाग ही बाहर आएगा। तो ये जितने पे बल लगा रहा था उतना भाग ही बाहर की तरफ खींचा हुआ आ रहा था, जिसे हम लोग सूर्य का ज्वारी भाग कह रहे थे। और ये जो इंट्रूडिंग स्टार है या भेदता हुआ तारा है, इसका मुख्य काम था, भेदता हुआ तारा, भेदने वाले लोगों का काम क्या होता है? काम है तोड़फोड़ करना, दो लोगों में दरार डालना, इसके बाद भाग जाना। ऐसा ये भी करता है भेदता हुआ तारा, इंट्रूडिंग स्टार, इससे इसको तोड़ता है। तोड़ने के बाद ना जाने कहां ये गायब हो जाता है, ब्रह्मांड में चला जाता है। लेकिन इसका काम तोड़ने का था, ये तोड़ दिया। ये जो टूटा हुआ भाग था, स्वाभाविक है इस टूटे हुए भाग पे सूर्य काफी नजदीक होने की वजह से सूर्य का बल अब ज्यादा कार्य करने लगा और सूर्य इसे अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करेगा। जब मिलाने की कोशिश करता है तो ये टूटा हुआ भाग तेजी से इस सूर्य का ऐसे चक्रण करने लगता है। फिजिक्स में आप लोग पढ़े हैं, अगर ऐसा ना करता, अगर ये तेजी के साथ सूर्य का चक्कर नहीं करेगा तो सूर्य पुनः अपने में मिला लेगा। लेकिन जब ये तेजी के साथ सूर्य का चक्रण करेगा तो उस दरमियान सूर्य इसे अपने में नहीं मिला पाएगा। अब चीजों को समझना है, बहुत ज्यादा माइंड नहीं करने आपको, क्यों नहीं मिलाया, मिलाना चाहिए था आपको, सीधा सिलेबस पे काम करने अपने, और जो परीक्षाओं में हमारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको हम लोग बहुत बेहतर ढंग से कर पाए, बस उस पर काम करने, रणनीति हम लोगों की बेहतर होनी चाहिए। अब देखना है कि ये जो भाग टूटा हुआ भाग ये हम लोग देख रहे हैं, इससे अगर सूर्य की तुलना किया जाए तो जो सूर्य है वो 99.999% अगर लें तो स्वाभाविक है ये 0.001% हो जाएगा, ये जो टूटा हुआ भाग है। अब देखा जाए, आपसे प्रश्न बनता है कि सूर्य की कुल आयु कितनी है, सूर्य की कुल आयु कितनी है, तो आपका उत्तर होता है कि 10 अरब वर्ष, 10 अरब वर्ष है सूर्य की कुल आयु। अब प्रश्न बन जाए, कुल आयु का मतलब समझिएगा, जैसे आपसे पूछा जाए कि आपकी कुल आयु क्या है, तो आप लोग अक्सर मैं देखता हूं प्रश्न जैसे पूछा जाता है तो आप अपनी जो वर्तमान आयु वो बताने लगते हैं। वर्तमान आयु में कुल आयु में अंतर होता है, कुल आयु आपकी 100 साल जिए आप, 200 साल जिए, 1000 साल जिए, है ना। लेकिन अगर वर्तमान आयु देखी जाए सूर्य की तो उत्तर चेंज रहेगा, वर्तमान आयु आयु देखा जाए तो ये आपका 4.5 भी मिलता है आप लोगों को, या 4.6 मिलता है, या 4.7 अरब वर्ष मिलता है। लेकिन कुछ लोग सीधा सीधा लिख देते हैं लगभग 5 अरब वर्ष। तो हम लोग देखें कि हमारा सूर्य जो है वो हमारा सूर्य लगभग आधा उम्र जी चुका है, 10 अरब वर्ष है तो लगभग 5 अरब वर्ष का हो चुका है आपका सूर्य, तो लगभग आधा उम्र जी चुका है। अब आपको देखना है कि जो सूर्य 99.999% है उसकी आयु 10 अरब वर्ष। माइंड करिएगा, जो इतना बड़ा है उसकी आयु इतना है, और जो दशमलव में है इतना छोटा है उसकी आयु कितनी छोटी रही होगी, स्वाभाविक बात है कि बहुत छोटा रहा होगा। पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे कि जो तारे हैं, तारों की जब मृत्यु होती है तो वो कैसे कैसे किन तत्वों में परिवर्तित होते हैं, चेंज होके और एक ठोस भाग में या काला बामन में परिवर्तित हो जाते हैं, और क्या स्थितियां होती हैं, इन चीजों को हम समझ पाए थे।
तो ये जो टूटा हुआ भाग है ये अपने स्थितियों को धारण करने लगा और कई भागों में ये टूट गया। अब एक फिगर के माध्यम से हम पूरा सौरमंडल समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग देखें कि जो भाग आपके सामने था वो एक तो आप सूर्य ले लें, ये आपके सामने हो गया शन सूर्य। और जो टूटा हुआ भाग है उसे अगर अगर हम लोग लें तो वो टूटा हुआ भाग कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। लेकिन अभी आप लोगों के सामने आप लोगों को कहा गया कि जो टूटा हुआ भाग है वो 0.001% है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसी भाग का हमको अध्ययन करना है, इसलिए इस भाग को बड़ा बना दिया गया है। ये सूर्य है, ये ज्वारीय भाग है, और ये ज्वारीय भाग की जब आयु पूरी होती है तो ये ज्वारीय भाग धीरे धीरे करके ठंडा होता है और कई भागों में टूट जाता है, अभी भी लिक्विड अवस्था में ही रहेगा। अब देखा जाए कि जब टूटता है तो कितने सामान्य भागों में टूटता है, तो वर्तमान समय में जो परंपरागत ग्रहों की संख्या है वही बताया जाता है कि उतने भागों में टूट गया। जैसे कितने भागों में, तो आप कहेंगे कि 8 भागों में टूट गया। आठ भागों में टूटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इन आठों का नाम हम लोगों ने रख दिया, क्या रखा? इसका नाम हम लोगों ने रख दिया बुध, इसका नाम शुक्र, इसका पृथ्वी, इसका मंगल, इसका नाम बृहस्पति, इसका नाम आप लोग देखें तो रख दिया गया शनि, और ये है अरुण, और इसे देखा जाए तो ये है वरुण, ये है वरुण। 8 ग्रह हो गए। इंग्लिश में देखा जाए तो इसे हम लोग मरकरी कहते हैं, इसे वेनस, पृथ्वी को आप लोग जान ही रहे हैं अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सचर्ण, अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें कि ये जो पूरी बात हमने बताई अभी तक की जो प्रक्रियाएं हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी कल्पनाएं हैं, मेरी हाइपोथेसिस है, बल्कि ये बात बताने का काम किया था एक ब्रिटेन का वैज्ञानिक था जिसका नाम था जेम्स जीन। जेम्स जीन ने 1919 में इस बात को बताने की शुरुआत की। तो कोई भी बात जब बताई जाती है या कोई भी हाइपोथेसिस हो या थ्योरीज होती है, सिद्धांत होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप डायरेक्ट शोध कर लें या कुछ चीजों को ला दें और लोगों को बता दें और किताब में छप के आ जाए। उसके लिए बकायदा संगोष्ठियां बुलाई जाती है और उन संगोष्ठियों में विषय विशेषज्ञ बैठे रहते हैं, जिनका नंबर आता है, बारी आती है, वो आते हैं, उनको मंच दिया जाता है, वो चीजों को समझाते हैं, बताते हैं कि इस तरह से हमारे ब्रह्मांड की, इस तरह से हमारे सौरमंडल की जो भी चीजें हों उनको बताने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दें, उसमें जो व्यक्ति बताएगा उस पूरा मौका दिया जाता है कि बताओ। ये सब चीजें हाइपोथेसिस आधार पर ही होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी अगर हम लोग मानव को देखें तो मानव का जन्म बहुत बाद में हुआ है। अगर हम सूर्य को देखें, सौरमंडल को देखें, पृथ्वी की उत्पत्ति से देखें तो मानव का जन्म बहुत बाद में हुआ है। लेकिन मानव एक विवेकशील प्राणी होने के वजह से बहुत अनसुलझी चीजों को भी सुलझाने की कोशिश में लगा हुआ है, इसलिए वो कोशिश की जाती है कि कैसे हमारे सौरमंडल की रचना हुई होगी। तो ये बताने का काम कौन किया था? जेम्स जीन 1919 में। जब ये बात बताने लगे तो इसी कड़ी में आगे बताते हैं कि ये जो हमारे ब्रह्मांड है उसमें हमारे सौरमंडल की रचना कुछ इस प्रकार से हुई है। लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा बता रहे हैं, और बताइए। तो कहते हैं इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसी ज्वारीय रूप में ही यहां से यहां के तरफ, मतलब आगे से देखा जाए बृहस्पति तक अगर हम लोग पहुंचे तो इस तरह से ग्रहों का निरंतर आकार बढ़ रहा है।
निरंतर आकार को देखें तो जो वरुण है सबसे कोने में है, वरुण से बड़ा है अरुण, अरुण से बड़ा है शनि, शनि से बड़ा है बृहस्पति। तो हम लोग देखें निरंतर ग्रहों का आकार बढ़ रहा है, या सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। लोग कहें बहुत अच्छा बता रहे हैं, और बताइए। तो कहें कि इधर की तरफ अगर हम लोग देखें तो मंगल तक, तो ये जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह से आगे की तरफ ये ग्रह बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे आकृतियां बन जाती हैं। आकृतियां ऐसे बनने का मतलब है कि बताते हैं बुध, बुध से बड़ा शुक्र, शुक्र से बड़ा पृथ्वी, लेकिन बात अटक जाती है कि जो मंगल ग्रह है वो तो शुक्र से भी छोटा हो जाता है। बात यहीं फंस जाती है कि जो मंगल ग्रह है वो शुक्र से छोटा हो जाता है, मतलब इधर की तरफ देखा जाए तो बुध सबसे छोटा है, फिर मंगल है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, या सबसे बड़ा पृथ्वी है पांचवें नंबर पे, चार उधर है, पांचवें नंबर पे पृथ्वी है, छठे नंबर पे शुक्र और सातवें नंबर पे मंगल, आठवें नंबर पे बुध है। लोग कहते हैं इधर के तरफ तो बात आप सही बोले, लेकिन इधर की तरफ आपकी बात सिद्ध नहीं हो रही है। तब लोगों ने उस टाइम इस थ्योरी को मान्यता नहीं दी, लेकिन इन्हीं का एक शिष्य रहता जिसका नाम रहता हेराल्ड जेफ्री, इनके साथ मिलकर एक शोध करता और उसमें पाता है कि यहां से यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम जो है यहां से यहां तक नहीं है, प्रॉब्लम जो भी है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। किसके बीच में प्रॉब्लम है, मंगल और बृहस्पति के बीच में प्रॉब्लम की बात करता है। तो जब वो शोध करता है तो शोध करते हुए उसको कुछ आकाशीय पिंड इसमें दिखते हैं, इन मंगल और बृहस्पति के बीच में। जब वो आकाशीय पिंड उसे देखते हैं तो वो खुशी के मारे झूमने लगता है, खुशी के मारे झूमने लगता है कि अब चीजों को मैं सुलझा पाऊंगा, मैं चीजों को बता पाऊंगा। और उनको नाम देता है वो क्षुद्र ग्रह, क्या नाम दिया जाता है, एस्ट्रॉयड, क्षुद्र ग्रह नाम दिया जाता है। और बताता है कि जो मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह है, वो जब इस मंगल ग्रह का निर्माण हो रहा था उस दरमियान ये क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह पर एक पपड़ी नुमा आकृतियों के रूप में जमे थे, और जब बृहस्पति इससे काफी नजदीक हुआ करता था तो बृहस्पति जब इसके पास से गुजरता था तो मंगल को आकर्षित करता था, अपनी ओर खींचता था। तो जब मंगल को अपनी तरफ खींचता था तो पूरा मंगल न आके बल्कि वो पपड़ी मंगल ग्रह से सरक जाती थी, फिसल जाती थी और आगे की तरफ बढ़ती थी। तो कुछ पपड़ियों को तो बृहस्पति अपने धरातल पर खींच के गिरा दिया है, लेकिन कुछ पपड़ियां अभी भी इन मंगल और बृहस्पति के मध्य तैरती हैं, जिन्हें नाम दिया जाता है क्षुद्र ग्रह। पहला ही प्रश्न आप लोगों से बन जाता है आप लोगों के परीक्षाओं में, किन दो ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के मध्य। अब वो बताता है कि इन्हीं पपड़ी को अगर मंगल ग्रह पे चिपका दिया जाए तो जो आकार होगा सबसे कोने में, सबसे जो आप देखें कि ये जो ज्वारी भाग है उस ज्वारी भाग के सबसे कोने में बुध ग्रह है, सबसे छोटा हो जाएगा, उससे बड़ा शुक्र हो जाता, फिर पृथ्वी, फिर मंगल हो जाता। और ये जो क्षुद्र ग्रह है, इस क्षुद्र ग्रह हटने के वजह से ही ये मंगल ग्रह शुक्र से छोटा हो जाता है। तो जरा आप आकार में चाहें तो कितना आसानी से आप तैयार कर सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जो बीच में है बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद मंगल है, फिर बुध है। बहुत आसान है कि अगर आपसे पूछ दे कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है, बुध के बाद कौन सा ग्रह का नंबर आता है, कभी कभी आप लोगों से सुमेल भी करवा लेता है या आप लोगों को एक क्रम बनाने के लिए दे देता है, तो बुध, बुध के बाद मंगल, मंगल के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, ये हो गया। इधर के तरफ देखें तो वरुण, वरुण से बड़ा अरुण, अरुण से बड़ा शनि, शनि से बड़ा बृहस्पति। सबसे बड़ा जो ग्रह होता है वो बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। ये क्लियर रहे, बाकी क्रम आपके दिमाग में रहे तो आकार से आपके प्रश्न नहीं गलत हो सकते, नहीं भटक सकते। अब जरा देखा जाए कि जो बुध ग्रह है, बुध से लेकर मंगल तक के जो ग्रह हैं, इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह क्या क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह और ठोस ग्रह के नाम से जाना जाता है। आंतरिक, पार्थिव और ठोस। आंतरिक ग्रह क्यों कहा जाता है, जो क्षुद्र ग्रह के इधर वाले ग्रह हैं इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है और क्षुद्र ग्रह के इधर वाले ग्रहों को बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। पार्थिव ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे ग्रहों में देखा जाए तो सबसे ठोस ग्रह,
या हम लोग देखें सर्वाधिक घनत्व तो रखने वाला ग्रह पृथ्वी है 5.52 ग्राम प्रति सेमी घन, या पूरे ग्रहों में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो पृथ्वी है, सबका नेतृत्व करता ग्रह कौन सा है तो पृथ्वी है, इसलिए पूरे ग्रहों को पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये चारों ग्रह गैसी ना होके बल्कि ठोस ग्रह होती है, इसलिए इन्हें ठोस ग्रह के नाम से भी जाना जाता। तो आपसे प्रश्न बनता है गैसी ग्रह कौन से हैं, ठोस ग्रह कौन से हैं, इस तरह से। अब इधर वाले ग्रहों को देखा जाए तो जो बृहस्पति है, बृहस्पति से लेके अरुण तक के जो ग्रह हैं इन्हें बाह्य ग्रह के नाम से, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बाह्य ग्रह के नाम से, और ये पार्थिव है तो इसमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है तो इसलिए इसे जुबियन, ये जुपिटर है इसलिए इसे जुबियन ग्रह के नाम से या गैसीय ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बड़े ग्रह होने की वजह से गैसों की मात्रा अधिक रखते हैं, इसलिए इन्हें गैसीय ग्रहों के नाम से भी जाना जा रहा है। हमारा मानना है कि इतना आप लोग क्लियर होंगे। इसके बाद देखा जाए कि ये जो क्षुद्र ग्रह, इन्हीं क्षुद्र ग्रहों में ही, क्षुद्र ग्रह पेटिका में ही एक बौना ग्रह है और उस बौने ग्रह का नाम है सेरेस। कभी कभी पूछ लेता है कि क्षुद्र ग्रहों के पेटिकाओं में कौन सा बौना ग्रह स्थित है, तो बौना ग्रह सेरेस है। इतना आप लोग क्लियर होंगे। अब जरा हम लोग देखें कि ये जितने भी ग्रह हैं आठों, इन आठों परंपरागत ग्रहों के बारे में देखा जाए तो ये दो प्रकार से गति करते हैं। यहां से भी प्रश्न आप लोगों से बनते हैं, आगे और ज्यादा हम क्लियर करेंगे, डिटेल करेंगे। दो तरह के प्रश्न, दो तरह के गति करते हैं। एक गति को अगर हम लोग देखें तो ऐसे चलेगा, मतलब ये सूर्य है और ये पूरे ग्रह ले लिया जाए तो पूरे ग्रह ऐसे चल रहे हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा बोलते हैं इसे, ऐसे चल रहे हैं पश्चिम से पूर्व या दाएं से बाएं की तरफ ये ग्रह चल रहे हैं। इस चक्कर को, इस गति को ही हम लोग परिक्रमण के नाम से जानते हैं, और परिक्रमण को इंग्लिश में रेगुलेशन कहते हैं, रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। और परिक्रमण से कभी कभी पूछ लेता है कि निर्धारण किसका करते हैं, परिक्रमण से निर्धारण किसका होता है, तो परिक्रमण से जो निर्धारण होता है वो किसी भी ग्रह के वर्ष का निर्धारण होता है। मतलब एक परिक्रमण पूरा होने पर किसका परिक्रमण करेगा, मैं शुरू में ही बताया था सौरमंडल में कि किसका परिक्रमण करेगा, तो उसमें आप लोग देखे थे कि परिक्रमण सूर्य का करेगा। सूर्य का कोई भी ग्रह एक परिक्रमण करता है तो उसका एक वर्ष हो जाता है, एक वर्ष का निर्धारण किया जाता है। थोड़ा सा यहां कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं हम लोग। उसमें हम लोग देखें कि जो ग्रह सूर्य के जितना नजदीक होगा उसको उतना कम दूरी तय करनी पड़ेगी, या जो ग्रह सूर्य से जितना नजदीक रहेगा उसे सूर्य में ना विलीन हो, सूर्य उसे ना खींच के अपनी में समाहित करे, इसलिए वो बहुत तीव्र गति से भागेगा, और तेज गति से चलने के वजह से सबसे छोटा वर्ष किस ग्रह का होगा, बुध का, और सबसे बड़ा वर्ष किसका होगा, वरुण का। ध्यान दें आप लोग, सबसे छोटा किसका होगा, बुध का, सबसे बड़ा किसका होगा, वरुण का। मेरा मानना है कि ग्रहों का क्रम तो आपको याद हो गया होगा, या फिर से मैं देख लूं, बुध सबसे पहले आएगा, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। मुझे मानना है कि इतना सबको याद होगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, फिर क्षुद्र ग्रह, फिर बृहस्पति, यहां तक सबको याद होगा। उसके उधर अगर याद करना है तो आप देख सकते हैं कि आगे क्या है, शन, और पीछे की तरफ भी देखें आप लोग तो आपको मिलेगा शन ही मिलेगा, मतलब सचर्न यूरेनस और नेपच्यून। तो ध्यान देना है आप लोगों को कि जो ग्रह सूर्य के जितना नजदीक रहेगा उसका वर्ष काल उतना छोटा होगा, जो जितना दूर होगा उसका वर्ष काल उतना बड़ा होगा। जैसे हम लोग देखें कि जो बुध का एक वर्ष है वो 88 दिन का होता है, लगभग 88 दिन बराबर एक वर्ष हो जाता है बुध का, पृथ्वी से तुलना किया जाता है पृथ्वी के दिन से या वर्ष से। और शुक्र का देखा जाए तो 225 दिन का होता है एक वर्ष, पृथ्वी का आप लोग जान ही रहे हैं लगभग 365 सही 1/4 दिन जो होगा वो एक वर्ष होता है। मंगल का 687 दिन होता है, बृहस्पति का लगभग 11 वर्ष होता है, शनि का देखा जाए तो लगभग 29 वर्ष होता है, अरुण का देखा जाए तो लगभग 84 वर्ष होता है, और वरुण का देखा जाए तो लगभग 164 वर्ष। सीधा आप स्पष्ट हैं कि जो ग्रह जितने नजदीक है सूर्य के उसका वर्ष काल उतना छोटा है, जो जितना दूर है उसका वर्ष काल उतना बड़ा है। मेरा मानना है कि परिक्रमण, ग्रहों का आकार, ग्रहों का सूर्य से दूरी के क्रम पे जो निर्धारण है वो आप कर पाएंगे आसानी से। अब अगला हम लोग देखें कि एक तो हमने परिक्रमण समझ लिया कि ये परिक्रमण गति कौन सी है, परिक्रमण क्या है। एक हम लोग देखें कि जो ग्रह है वो ग्रह अपने अक्ष पर ही घूर्णन करेगा।
अपने अक्ष पर ही, जैसे एक तो ऐसे चल रहा है और एक ग्रह वहीं पर ही जब घूर्णन करेगा तो उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग परिभ्रमण या उसी को ही हम लोग घूर्णन कहेंगे। और पूछ लेता है कि घूर्णन या परिभ्रमण से किसका निर्धारण किया जाता है, तो ये जो निर्धारण होगा वो होगा रात एवं दिन का, रात और दिन का निर्धारण किससे करते हैं? तो वो करते हैं परिभ्रमण या घूर्णन से। दो चीजें आपको समझने हैं। अब यहां आपको कुछ चीजों को समझने हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा दिन में भी ऐसा करें या परिभ्रमण में या घूर्णन में भी करें, ऐसा नहीं है। लेकिन जनरली जो प्रश्न बनते हैं ज्यादा उन्हीं पे हमको काम करने हैं। उसमें देखा जाए कि जो बुध है या जो सूर्य से दूरी के क्रम में होगा और आकार, उस हिसाब से वो अपने अक्ष पर घूर्णन तेजी के साथ करता है। उसमें देखा जाए कि जो बुध है उसका एक दिन होता है वो 59 दिन के बराबर एक दिन होता है। वर्ष 88 था, दिन 59 था। अब देखा जाए कि जो शुक्र है, शुक्र 225 दिन का एक वर्ष होता है। कितने का, थोड़ा सा आप यहां माइंड करना, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं। जो इसका वर्ष होगा वो 225 दिन होगा, पृथ्वी के दिन से तुलना है। और जो इसका एक दिन होता है वो दिन 243 दिन का होता है, 243 दिन का। थोड़ा सा माइंड आपको करना है, यहां देखें आप लोग। प्रश्न बन जाता है कि कौन सा ग्रह है जिसका एक दिन उसके एक वर्ष से बड़ा होता है। देखिए, इसका एक दिन 243 दिन का है और एक वर्ष 225 दिन का। उत्तर मिला, एक तरह से रीजनिंग हो गया कि किस ग्रह का वर्ष उसके दिन से छोटा होता है या किस ग्रह का दिन उसके वर्ष से बड़ा होता है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। वो ग्रह आपका शुक्र है। इसके आगे हम लोग चले, या इससे पूछ लिया जाता है कि कौन सा ग्रह न्यूनतम गति से या मंदतम गति से परिभ्रमण या घूर्णन करता है। तो न्यूनतम गति से घूर्णन करता है कौन? शुक्र। शुक्र से बड़ा दिन किसी का दिन नहीं होता है, शुक्र से बड़ा दिन किसी का दिन नहीं होगा। दिन की बात हो रही है, वर्ष का नहीं, ध्यान देना। पृथ्वी का एक दिन आप लोग जान ही रहे हैं, लगभग 24 घंटा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। मंगल का लगभग 24 घंटा 37 मिनट। बृहस्पति पे फिर माइंड आपको करने हैं। जो बृहस्पति का वर्ष है वो लगभग 11 वर्ष होता है, लेकिन जब दिन की बात करेगा तो जो दिन होता है वो 9 घंटा 55 मिनट का होता है। और बृहस्पति ही एक ऐसा ग्रह है 8 ग्रहों में जो सबसे तीव्र गति के साथ परिभ्रमण या घूर्णन करता है। यह भी प्रश्न आप लोगों से बनता है कि कौन सा ग्रह तीव्र गति से अपने अक्ष पर घूर्णन या परिभ्रमण करता है, तो वो है बृहस्पति। या पूछ लेगा कि किस ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है या रात दिन सबसे छोटा होता है, तो किसका होगा? बृहस्पति का। और हम लोगों को भ्रमवश ऐसा लगता है कि बृहस्पति इतना बड़ा है तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए बिल्कुल हटा देते हैं। लेकिन सबसे छोटा दिन किसका होगा? बृहस्पति, मात्र 9 घंटा 55 मिनट का। सबसे बड़ा दिन किसका होगा? शुक्र का, 243 दिन का। आगे हम लोग देखें जो शनि है, शनि का 10 घंटा 40 मिनट होता है। अरुण का देखें तो लगभग 11 घंटे का होता है। वरुण का देखें तो लगभग 16 घंटे का होता है एक दिन। माइंड क्या करना है हम लोगों को, ध्यान में क्या रखने हैं? शुक्र को ध्यान में रखने हैं। शुक्र से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि जहां वेरिएशन होते हैं, जहां अपवाद होते हैं, वहीं से प्रश्न बनते हैं। तो शुक्र हो गया और बृहस्पति, इनके आप घूर्णन को ध्यान देना है। और शुक्र के तो घूर्णन और परिभ्रमण दोनों को ध्यान देना है। तीव्रतम घूर्णन गति करने वाला ग्रह बृहस्पति, न्यूनतम घूर्णन गति करने वाला ग्रह शुक्र होगा। मेरा मानना है कि आप घूर्णन भी समझ पाए होंगे, परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों समझ पाए होंगे। इतना समझ गए हो तो आगे अब हम एक एक ग्रहों के बारे में इजली समझें कि एक एक जो ग्रह हैं उनसे प्रश्न हम लोगों से क्या बनते हैं। तो जो सबसे पहला ग्रह है उसे हम लोग बुध ग्रह के नाम से जानेंगे। तो जो बुध ग्रह है उससे जनरली जो प्रश्न हम लोगों से बनते हैं, वो प्रश्न बनते हैं कि किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो जो शुक्र बुध ग्रह है और शुक्र ग्रह है, इन दोनों ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है। पूछा जाता है कि किस ग्रह के पास वायुमंडल का अभाव है, तो जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह पर वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। कारण बताया जाता है कि यह सूर्य से काफी नजदीक होने की वजह से या तो सूर्य द्वारा जला दिया गया है या तो सूर्य द्वारा उस गैसों को अपनी में खींच के मिला लिया गया है, इसलिए
वायुमंडल का अभाव किस ग्रह पे हो जाएगा? बुध पे। आप लोग थोड़ा सा माइंड करें कि जो किसी भी ग्रह पे वायुमंडल होता है, जो गैसीय आवरण होता है, वो डिपेंड करता है उस ग्रह के तापमान को। जिस ग्रह पे जैसा वायुमंडल होगा उस ग्रह पे वैसा ही तापमान होगा। तो यहां देखा जाए कि जब वायुमंडल है ही नहीं, तो जब सूर्य से प्रकाश आता है दिन में, दिन वाले भाग में इस पे, तो डायरेक्ट प्रकाश इसके धरातल पर पहुंचता है और दिन का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, लगभग 390 सेंटीग्रेड हो जाता है दिन का तापमान। लेकिन जो भाग घूम के पीछे की तरफ जाता है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, रात्रि वाला भाग होगा, वो भाग वायुमंडल है नहीं और पूरा का पूरा उष्मा त्याग देता है अपने धरातल से, और वो भाग इतना ठंडा हो जाता है कि उसका तापमान -170 तक चला जाता है। इसके ताप में अंतर निकाला जाए तो बहुत ज्यादा हो जाता है, लगभग 560 सेंटीग्रेड हो जाता है इसके ताप में अंतर, क्योंकि दिन का बहुत ज्यादा हो जा रहा है, रात का बहुत कम हो जा रहा है। इसलिए तापांतर निकाला जाए, रात और दिन का तापों में अंतर निकाला जाए, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, सिंबल माइनस ही रहेगा, 560 सेंटीग्रेड के लगभग हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न बनता है किस ग्रह का तापांतर सर्वाधिक है, तो ग्रह हो जाएगा बुध। बुध ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है, और यह वर्ष में 3 बार भोर का तारा और सांझ के तारे के रूप में कार्य करता है। यह अपने साइनोडिक स्थिति के कारण ऐसा करता है वर्ष में 3 बार। साइनोडिक स्थिति को हम लोग जब चंद्रमा पढ़ेंगे तो वहां क्लियर करेंगे कि साइनोडिक स्थिति क्या है, क्योंकि चंद्रमा में हमको वहां सीखना है। तो जो बुध ग्रह है वर्ष में 3 बार भोर का तारा सांझ के तारे के रूप में कार्य करता है। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो शुक्र है, शुक्र परडे प्रतिदिन भोर का तारा और सांझ के तारे के रूप में कार्य करता है, इसलिए हम लोग बुध शुक्र दोनों विकल्प दे देता है, तो हम शुक्र पे प्रेफरेंस करते हैं कि शुक्र को भोर का तारा एवं सांझ के तारा भी कहा जाता है। प्रश्न कई बार आपसे आयोग में आप सॉल्व कर रहे होंगे, पेपर तो मिल रहा होगा, कई बार पूछा गया है भोर का तारा सांझ का तारा। लेकिन प्रश्न कुछ ऐसा बना दे जैसे विकल्प ए में आपसे डाल दे कि भोर का तारा एवं सांझ का तारा कहा जाता है, विकल्प ए में बुध, विकल्प बी में शुक्र, विकल्प सी में ए बी दोनों, अब विकल्प डी में मंगल, तब आप सी विकल्प लगाएंगे, ए बी दोनों। लेकिन प्रश्न कुछ ऐसा बनाए कि बुध शुक्र मंगल शनि बना ले, बृहस्पति बना ले, कोई इस तरह से ग्रहों को बना ले, तब आप वहां प्रीफर करेंगे किसको? शुक्र को। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग? इस तरह से बुध से आपसे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। सबसे छोटा ग्रह बुध, वायुमंडल का अभाव वाला ग्रह बुध, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध। अब आपसे जब तापांतर पूछ ले, भोर का तारा एवं सांझ के तारे के रूप में बुध कितनी बार हमें दिखाई देता है, तो 3 बार भोर का तारा एवं सांझ के तारे के रूप में कार्य करता है अपने साइनोडिक स्थिति के कारण। बुध से इतना आप क्लियर हैं तो बुध से प्रश्न आपसे गलत नहीं होने वाले, यही प्रश्न आपसे बनते हैं। इसके बाद हम शुक्र ग्रह पे आते हैं। तो जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह से जो आपसे प्रश्न बनते हैं, वो बनते हैं कि किस ग्रह का ताप सभी ग्रहों में सर्वाधिक है। तो जो शुक्र ग्रह है इसका ताप सभी ग्रहों में सर्वाधिक है, लेकिन तापांतर पूछ ले बुध, ताप पूछ ले तो शुक्र का। इसका ताप सर्वाधिक है और यह कारण बताया जाता है कि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है उसकी मात्रा 96% होती है। कितना होती है? 96%। और जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विशेषता है कि इसे ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत? ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत। ग्रीन हाउस गैस का काम क्या है? विश्व के तापमान में वृद्धि करना या ग्लोबल वार्मिंग करना। आप लोग देख ही रहे हैं पृथ्वी पर क्योटो प्रोटोकॉल बहुत फेमस है, उसके जगह पर पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता आने वाला है। तो यह कितना प्रचलित है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड करके, जिसमें आप लोग देखेंगे कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगर पृथ्वी पर देखा जाए तो 0.03% बढ़कर 0.04% हो गया, लेकिन उसमें देखा जाए कि इतना कम 1% भी नहीं है, तब इतना हाहाकार मचा है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, विश्व के तापमान को लेकर, कि तापमान निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। जिस ग्रह पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड ही हो, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, सूर्य से आने वाला प्रकाश भेदते हुए इसमें प्रवेश तो कर जाएगा, लेकिन इन गैसों के वजह से वो बाहर की तरफ नहीं निकलेगा, तो स्वाभाविक है शुक्र ग्रह का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। सभी ग्रहों में सर्वाधिक तापमान पूछ ले किसका होगा? तो शुक्र ग्रह का होगा। जब ताप अधिक होगा, तो थोड़ा सा आपको माइंड करने, जब ताप अधिक होगा
तो वो हमें देखने पर बहुत चमकीला दिखाई देगा। तो आपसे पूछ सकता है कि सभी ग्रहों में सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। और न चमकीला होने की वजह से इसे हम लोग तारे की उपमा भी दे देते हैं, और ये हमें भोर में और साय के समय दोनों समय में दिखाई देता है, इसलिए इसे भोर का तारा एवं साय के तारे के रूप में भी जानते हैं शुक्र को। और यह प्रतिदिन बनता है शाम को पश्चिम दिशा में और सुबह पूरब दिशा में घूमते हुए चला जाता है, हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि जो शुक्र ग्रह है ये विपरीत गति से जो परिभ्रमण है या घूर्णन है करता है, बल्कि शुक्र ही नहीं शुक्र का साथ देता है अरुण। शुक्र और अरुण आप देखेंगे इंग्लिश वाला अक्षर तो वी और यू लगभग देखने में एक जैसे लग रहे हैं। वी और यू दोनों ऐसे ग्रह हैं जो उल्टा चलते हैं। तो आपसे यह भी प्रश्न बनता है कि विपरीत गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है, तो भी शुक्र हो जाएगा और अरुण हो जाएगा। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व चलेंगे, राइट टू लेफ्ट, और ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो लेफ्ट टू राइट चलेंगे। स्वाभाविक बात है कि जिधर से ग्रह विपरीत चलेंगे तो जो सूर्य है उसके विपरीत दिखाई देगा। जब ये पूर्व से पश्चिम चलेंगे तो हमें ऐसा लगेगा सूर्य पश्चिम में उदय हो रहा है और पूर्व में अस्त हो रहा है। हमारी पृथ्वी या अन्य ग्रह हम लोग देखें पश्चिम से पूर्व चलते हैं, इसलिए हमें सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। इन चीजों को हम आगे बहुत आसानी से इजी वे में हम उसको सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। आगे चैप्टर जब हम पृथ्वी के गतियों को हम देखेंगे तब समझ पाएंगे हम लोग। तो इस तरह से शुक्र से प्रश्न क्या बना, सबसे गर्म ग्रह शुक्र, भोर का तारा सांझ का तारा शुक्र, और आकार में लगभग पृथ्वी के समान होने की वजह से इसे पृथ्वी के समान ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन या भगिनी या जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। किस ग्रह को, शुक्र ग्रह को। ये आप लोग ध्यान देते चलिएगा। इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने के वजह से यहां की जो दशा एक बन जाती है, गैसों का अंबार लग जाता है, गैसें भर जाती हैं, और भरने के वजह से इस गैस को प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह पूछ ले तो भी आपका हो जाएगा शुक्र। और ये इतना चमकीला है कि देखने पे सुंदर दिखता है, इसलिए इस ग्रह को जो शुक्र ग्रह है इसे सौंदर्य की देवी या देवता के नाम से भी जानते हैं। आप लोग जानते होंगे एक साबुन आता है वेनस करके, और जो वेनस साबुन होता है उसका अर्थ होता है सौंदर्य या सौंदर्य की देवी या देवता। इसलिए जो शुक्र ग्रह है इसे सौंदर्य की देवी या देवता के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आपसे प्रश्न बन जाए कि सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है, तो अब आपको उत्तर करने हैं शनि। सौंदर्य का देवी या देवता पूछ ले तब आपका उत्तर बदल जाएगा, तब हो जाएगा शुक्र। और शुक्र के पास पहले ही मैं बताया कि किसी भी प्रकार का कोई उपग्रह नहीं है, दो के पास उपग्रह नहीं है, एक बुध और एक शुक्र। इतना तक क्लियर होंगे आप लोग, आगे चलते हैं हम लोग। पृथ्वी, पृथ्वी पे मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, बस इतना बताऊं कि पृथ्वी आकार में ग्रहों पर पांचवें नंबर का सबसे बड़ा है। एक नंबर पे बृहस्पति, दो नंबर पे शनि, तीन नंबर पे अरुण, चार नंबर पे वरुण, पांचवें नंबर पे पृथ्वी। और पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिस उपग्रह का नाम है चंद्रमा, और वो चंद्रमा पूरे सौर प्रणाली का पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह भी है। सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो अभी हम बताएंगे बृहस्पति के पास है, लेकिन पांचवें नंबर पे पृथ्वी भी ग्रह है सबसे बड़ा, और इसका जो उपग्रह है वो भी पांचवें नंबर पे ही सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका, पृथ्वी का। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी पर 70.8% जल पाया जाते हैं। ये सब चीजें हम लोग पृथ्वी पर जब उतरेंगे तो पृथ्वी के बारे में पूरी हम लोग चर्चा करेंगे वहां पर। इसके आगे हम लोग चले तो मंगल ग्रह, जो मंगल ग्रह है इसे देखा जाए तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके धरातल पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, और आयरन ऑक्साइड की वजह से जो मंगल ग्रह है हमें कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। इसलिए इस मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसी मंगल ग्रह पर ही पूरे सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जिसका नाम है ओपिस मेसी, इसी पर पाया जाता है। मंगल ग्रह पर पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्या नाम है, ओपिस मेसी है, जो किस ग्रह पर पाया जाता है, मंगल ग्रह पर। इसी मंगल ग्रह पर ही पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, इसी पर स्थित है। इसी ग्रह पर ही जल और जीवन की संभावनाएं भी
तलाशी जा रही है जल और जीवन की संभावनाएं हैं, जो 2018 का पीसीएस आप लोग दिए रहे होंगे उसमें पूछ लिया था कि किस ग्रह पर जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही है या जल की संभावनाएं तलाशी जा रही है, इसे प्रश्न बन सकता है। अभी 2018 में पूछा गया है, तो कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह के पास दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डिमोस। कई बार आप लोक सेवा आयोग के पेपर अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि फोबोस डिमोस उपग्रह किसके हैं, तो फोबोस डिमोस उपग्रह मंगल के हैं, या मंगल के उपग्रहों के नाम क्या हैं, तो फोबोस और डिमोस हैं। अब यहां थोड़ा सा माइंड आपको करने क्यूरियस हो जाइएगा। अभी आप लोग देखे थे कि पृथ्वी के समान आकार किसका था? शुक्र का। लेकिन पृथ्वी के सदृश, मतलब पृथ्वी के समान दिखाई देने वाला कौन सा ग्रह है, ऐसा प्रश्न हो जाए तो मंगल हो जाएगा। उत्तर चेंज, समान आकार में पूछेगा तो शुक्र, लेकिन दिखाई देने में पूछ लिया तो मंगल। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी है, और जो मंगल ग्रह है वो अपने अक्ष पर 25 अंश झुका है। और झुकाव होने के कारण ही यहां पर ऋतु परिवर्तन होते हैं, और जब ऋतु परिवर्तन होते हैं तो मंगल किसके समान दिखाई देने लगता है? पृथ्वी के समान। इसलिए पृथ्वी के समान या सदृश ग्रह आपसे पूछ लेगा, उत्तर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह हो जाएगा। इतनी चीजें हम लोगों को मंगल में कवर करने, इतने प्रश्न ही आपसे मंगल से बनेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्षुद्र ग्रह, आप समझ ही रहे होंगे। क्षुद्र ग्रह में एक बौना ग्रह है जिसका नाम है सेरस। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जो ग्रह मिलेगा उस ग्रह का नाम रहेगा बृहस्पति। और बृहस्पति ग्रह को देखा जाए तो सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछ ले तो कौन सा ग्रह हो जाएगा? बृहस्पति। बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, और इस ग्रह को तारा सदृश ग्रह, मास्टर ऑफ गॉड, लघु सौर तंत्री वाला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल मत घबराइएगा कि क्या बोलते चले जा रहे हैं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं हो रहा है, मैं पूरा याद करा दूंगा, एक कहानी आएगी सब याद हो जाएगा। तो जो बृहस्पति है, बृहस्पति को तारा सदृश ग्रह, मास्टर ऑफ गॉड, लघु सौर तंत्री वाला ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके पास उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है, अगर आप विकिपीडिया सर्च करेंगे तो उस पर 79 दिखाएगा, लेकिन जो अभी बुक हैं उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग हम लोगों को चलने हैं तो उसमें दिखाया जाता है 67 दिखाया जाता है, तो 67 ही हमको कवर करने हैं। तो देखा जाए कि जो बृहस्पति है उसके पास 67 उपग्रह हैं, उन 67 उपग्रहों में से आपसे जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसके बारे में पूछ लेता है। जो सबसे बड़ा उपग्रह पूछा भी गया है उसका नाम है गैनीमिड। जो गैनीमिड उपग्रह है पूरे सौर प्रणाली का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमिड, जो सबसे बड़े ग्रह जिसका नाम है बृहस्पति ग्रह उसी का एक उपग्रह। इतनी चीजें तो क्लियर होगी। और हम लोग देखें कि बृहस्पति ग्रह का अगर आप फोटो डाउनलोड करेंगे तो उस फोटो में आपको देखेगा गोला गोला धब्बे के नुमा दिखेगा, लाल आकृतियां, उसे महान लाल धब्बा कहा जाता है। महान लाल धब्बा मतलब ग्रेट रेड स्पॉट्स, ग्रेट रेड स्पॉट्स के नाम से जाना जाता है। तो जो ग्रेट रेड स्पॉट्स है या महान लाल धब्बा है, प्रश्न बनता है कि किस ग्रह पर पाया जाता है, तो बृहस्पति पर। ये जो महान लाल धब्बा है वो बनने का कारण क्या होता है, तो वो कारण होगा, अगर उसको आप देखें कि कारण क्या होता है, तो वो बृहस्पति पर आए हुए तूफान होते हैं, तूफानों की वजह से महान लाल धब्बों का निर्माण होता है। तो ये हो गया आपका बृहस्पति। अब देखा जाए कि जो ये आप बृहस्पति देख रहे हैं इसमें आपसे रंग भी पूछ लेता है, तो कहीं कहीं आपको गुलाबी मिलेगा, कहीं आपको पीला मिलेगा। तो जो रेड स्पॉट्स बनते हैं या जो धब्बे बनते हैं वो उनके रंग लाल या गुलाबी लिए होते हैं, इसलिए कहीं कहीं गुलाबी भी मिल जाता है, लेकिन जनरली जो रंग आपको दिए जाते हैं वो रंग माने जाते हैं पीला। तो पूछ ले पीला ग्रह किसे कहते हैं, तो वो ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। तो बृहस्पति से इतनी चीजें आपको ध्यान में रखने, अभी मैं ध्यान में सब रखवा दूंगा, घबराना नहीं है। तो ये हो गया बृहस्पति। बृहस्पति से आगे हम लोग बढ़ते हैं शनि पे। तो जो शनि ग्रह है, शनि को आकाश गंगा सदृश ग्रह कहा जाता है, क्योंकि जो शनि ग्रह है इस पर 7 छल्ले पाए जाते हैं। आप लोग जानते होंगे छल्लो वाला ग्रह कौन सा होता है, गैसीय ग्रह तो सब है, लेकिन जो छल्लो वाला स्पेशली ग्रह देखा जाए तो वो शनि ग्रह, शनि पर 7 छल्ले पाए जाते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। जो सबसे बाहरी छल्ला है वो ए है, जो सबसे आंतरिक छल्ला है वो जी है, इसलिए इसे छल्लो वाला ग्रह के नाम से जानते हैं, गैसीय ग्रह के नाम से भी जानते हैं। सभी ग्रहों में इसका घनत्व सबसे कम होता है। आपसे प्रश्न यह भी बन चुका है कि किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है, तो सबसे कम घनत्व शनि का होता है, 0.69 ग्राम प्रति सेमी घन होता है। इतना कम घनत्व होता है, घनत्व जो लिया जाता है वो जल से,
जल से तुलना किया जाता है, इसलिए इसका घनत्व जल से भी कम होने की वजह से आप इसे जब जल में फेंकेंगे तो यह तैरने लगेगा। प्रश्न हो जाता है आप लोगों से, किस ग्रह को जल में फेंकने के बाद वो तैरने लगेगा? वो ग्रह हो जाएगा शनि। शनि ग्रह को जल में फेंकेंगे तो तैरने लगेगा। शनि ग्रह के पास विकिपीडिया सर्च करेंगे तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन जो बुक में चल रहा है, पुराने ट्रेंड चल रहे हैं, उसी पे अभी हमको काम करने हैं। तो देखा जाए वर्तमान समय में इसके पास जो उपग्रहों की संख्या वो 62 है, 62 है। जो 62 उपग्रह है, उन उपग्रहों में जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। जो टाइटन उपग्रह है वो सभी उपग्रहों में जो 62 उपग्रह है वो सबसे बड़ा है, लेकिन सभी ग्रहों के उपग्रह हैं उनमें देखा जाए तो एक नंबर पे तो गैनीमीड था और दूसरे नंबर पे टाइटन हो जाएगा। टाइटन पूरे सौर प्रणाली का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है और पूरे सौर प्रणाली में एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास खुद का वायुमंडल है, बाकी किसी के पास खुद का वायुमंडल नहीं है। ये चीजें हमको शनि से कवर करने हैं। और इतना कम घनत्व होने के वजह से ही शनि ग्रह को चपटा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि जब ये तेजी के साथ घूर्णन करता है तो इस पर जो बल कार्य करते हैं वो ध्रुवों के तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करता है, मतलब जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं वो कार्य करने लगता है। जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, वहां पे देखा जाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करने लगेगा, जिसे अपकेंद्री बल कहते हैं, वो बाहर की तरफ फेंकने लगेगा ऐसे। तो ऊपर से दाब होगा, इधर की तरफ उभार हो जाएगा, इसलिए ध्रुवों पर ज्यादा चपटा होने की वजह से इस ग्रह को चपटा ग्रह के नाम से जानते हैं। लेकिन जितने भी ग्रह चपटे तो सब होते हैं, लेकिन सर्वाधिक चपटा शनि ग्रह हो जाता है, इसलिए शनि ग्रह को चपटा ग्रह के नाम से जानते हैं। शनि ग्रह को पीला ग्रह भी कहा जाता है, काला ग्रह भी कहा जाता है। काला जनरली ज्यादा माना जाता है, काला ग्रह। आगे हम लोग चले तो अरुण मिलता है। तो जो अरुण ग्रह है उसे देखा जाए तो लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये अपने अक्ष पर सर्वाधिक झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से जानते हैं। और देखा जाए उससे इससे आगे वरुण, तो जो वरुण ग्रह और अरुण ग्रह दोनों ग्रहों को हरा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसके वायुमंडल में मेथेन गैस की अधिकता होती है, इसलिए इन दोनों ग्रहों को हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें कि जितनी चीजें बताई गई है उसको कहानी के माध्यम से हम बहुत इजी वे में सीख पाए। तो देखा जाए कि ये जो ग्रह हैं यहां से यहां के, इधर वाले जो ग्रह हैं, इन ग्रहों की खोज प्राचीन समय में ही कर ली गई थी, मतलब बुध की, शुक्र की, पृथ्वी की, और पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा का, मंगल का, बृहस्पति का, शनि का, और इन्हीं के आधार पर जो हमारे 7 दिन हैं, 7 डेज हैं, उनका भी निर्धारण किन पे किया गया है? इन्हीं ग्रहों के आधार पर। ये दोनों खोजे नहीं गए थे, अगर खोजे गए रहे होते तो स्वाभाविक बात है कि इनकी भी बारे में चर्चा होके और दिन हमारे कितने हो गए होते? 9। लेकिन इनकी खोज बाद में किया गया, जैसे अरुण की खोज देखा जाए तो विलियम हर्सल ने किया, वरुण की खोज देखा जाए तो गैलियम लेवेरियर ने मिलकर किया है। जो मैं नोट्स दूंगा आप लोगों को, टेलीग्राम पे डाला जाएगा, वो चीजें सब के सब इसमें मैंने लिपिबद्ध कर डाला है आप लोगों के लिए, उसको आप लोग पढ़ लेंगे लेक्चर बढ़िया से समझ के, और उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके आप सीख पाएंगे, बहुत आसानी से समझ पाएंगे, वो चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो देखा जाए कि इधर के तरफ जो है इनकी खोज पहले ही की जा चुकी थी, और पृथ्वीवासियों को लगता था कि ये जितने भी ग्रह हैं सब पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी केंद्र में है, और इन्हीं के आधार पर दिनों का नाम कर देते हैं नामकरण। जैसे पृथ्वी से सर्वाधिक सबसे पहले या सबसे अच्छे तरीके से जो दिखाई देता है वो सूर्य, और सूर्य को रवि भी कहा जाता है या सन भी कहा जाता है, और इसके आधार पर पहला दिन बनता है आप लोगों का संडे या रविवार। और आगे देखा जाए फिर पृथ्वी से चंद्रमा दिखता है, चंद्रमा मतलब मून या सोम भी कहते हैं हिंदी में, तो सोमवार या मंडे, मून से मंडे। तो रविवार चंद्रमा को देखा जाए तो सोमवार, देखा जाए तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। इन्हीं 7ों के आधार पर ही हमारे दिनों के नामकरण भी किए गए हैं, और अरुण वरुण ग्रह की खोज बाद में की गई। अब हम लोग बिल्कुल इजी वे में कहानी के माध्यम से जरा सीखें और आप लोग उत्तर भी दे सकते हैं।
तो देखा जाए कि जो ये पूरा हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पढ़ क्या रहे हैं, सौरमंडल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सौरमंडल। इस पूरे सौरमंडल का मुखिया पूछ ले, या सौरमंडल का आपसे पूछ ले कि जनक कौन है, मुखिया कौन है, पिता कौन है, तो आपका एक ही उत्तर आता है कि पूरे सौरमंडल का जनक, मुखिया या पिता सूर्य होता है। सूर्य होता है। तो जो सूर्य सबका पिता हो गया, तो ये जितने भी ग्रह दिख रहे हैं वो सूर्य के क्या होंगे, बच्चे होंगे, सूर्य के लड़के होंगे, सूर्य के औलाद हैं। इस सूर्य के जो बच्चे हैं, सूर्य के जो लड़के हैं, ये हो गए। तो जब हमारे यहां शादी होती है, तो उन शादियों में आप लोग ध्यान दें कि जब किसी भी पिता के 8 बच्चे होंगे, तो शादी सबसे पहले किसकी होगी, जो सबसे बड़ा होता है उसी की शादी होती है। तो जो सबसे बड़ा है उसी की शादी करने की बात आई, तो सूर्य जब शादी करेंगे तो किसका करेंगे, सबसे पहले बृहस्पति का। जब बृहस्पति का शादी किए, तो क्रम से देखा जाए तो सबसे पहले शादी किसके करेंगे, बृहस्पति का। जब बृहस्पति की शादी किए, तो इसी आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या, या जो इसके बच्चे होंगे वो उपग्रह ही कहलाएंगे, क्योंकि जब सूर्य का बच्चा हुआ कौन, बृहस्पति, तो बृहस्पति के बच्चा कौन होंगे, जो इसके उपग्रह होंगे। तो जो इसके उपग्रह हैं वो सर्वाधिक हो जाएंगे, क्योंकि इसकी शादी सबसे पहले हुई। और बच्चे कितने हो गए, बच्चे इसके देखे जाए तो वो 67 है। अब इसी आधार पे थोड़ा सा इसे और क्लियर करते हैं। अब देखा जाए कि ये पूरे जो ग्रह हैं, इन ग्रहों में, इन ग्रहों को पहले के बाबा लोग ढूंढ लिए थे, बांस की फोपी दूरबीन लगा के, और रंग देख लिए थे पीला। इसीलिए आप लोग देखेंगे जो लोग बृहस्पतिवार के दिन पूजा पाठ करते हैं, बृहस्पतिवार के दिन उनके जो फल होते हैं या कपड़ा होते हैं, ये जो भी चीजें करते हैं, सब पीला पीला ही अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। कभी माइंड किए होंगे आप लोग, ऐसा क्यों? क्योंकि जो बृहस्पति ग्रह है वो हमें दिखता कैसा है, पीला, और बृहस्पति भगवान हो गए कैसा, पीला। तो जब बृहस्पति को खुश करना है तो आप कैसा वस्त्र धारण करेंगे, कैसा फूल लेंगे, कैसा फल लेंगे, पीला, क्योंकि बृहस्पति कैसा दिखता है, पीला। अब यही हम लोग बृहस्पति में और चीजें क्लियर करें कि जो पूरे बच्चे हैं, उन पूरे बच्चों में सबसे बड़ा बच्चा कौन सा है, बृहस्पति। तो कोई भी धब्बा जो लगेगा, खूनी धब्बा या लाल धब्बा जिस पे लगेगा, महान लाल धब्बा लगेगा, वो किस पे लगेगा, जो सबसे बड़ा औलाद रहेगा धब्बा उसी पे आता है। तो जो सबसे पहले धब्बा की बात किया जाए किस ग्रह पे लगेगा, तो वो हो जाएगा बृहस्पति। तो आपसे प्रश्न पूछेगा महान लाल धब्बा किस ग्रह पे है, तो बृहस्पति। अब हम आपको एक अपने गांव में ले चलते हैं। हमारे गांव में एक लोग हैं, तो वो, या गांव में आप लोग देखें कि शादी करने के लिए अक्सर अभी भी लोग टीचर को प्रिफर करते हैं, मास्टर को, कि लड़का मास्टर रहे, शादी आराम से करते हैं, धूमधाम से। तो वो भी शादी करने के लिए लोग गए, और वहां पर जो वो लड़की है उनका नाम तारा रहता है, और तारा नाम रहता है, और जो शादी की जाती है वो मास्टर से। और फिर जब हम गांव में गए थे कि पूछे कि तारा की शादी हो गई, कुछ बच्चे बच्चे हैं कि नहीं, तो लोग बताएं हाँ हाँ बच्चे हैं। हम कहे कितने, तो बताए 6-7 बच्चे हो गए, वैसे भी मास्टरों को काम कौन सा रहता है। तो हम लोग देखें कि जो तारा है, तो तारा के पति क्या है, मास्टर है। उनके कितने बच्चे हैं, तो आप कहेंगे 6-7 बच्चे हैं। थोड़ा सा माइंड करें आप लोग, पति से आपको समझना है बृहस्पति, किस ग्रह की बात हो रही है, बृहस्पति। क्यों, तारा सदृश ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। मास्टर ऑफ गॉड कौन सा है, बृहस्पति। सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या किसके पास है, बृहस्पति। सर्वाधिक उपग्रह होने के वजह से लघु सौर तंत्री वाला ग्रह कौन सा होगा, लघु सौर तंत्री वाला ग्रह कौन सा होगा, बृहस्पति। क्या पूछेगा बृहस्पति में, इससे ज्यादा आपसे प्रश्न बन सकता है, सबसे बड़ा तो समझ ही रहे हैं बृहस्पति। सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति के पास, तारा सदृश ग्रह बृहस्पति, मास्टर ऑफ गॉड बृहस्पति, लघु सौरतंत्री वाला ग्रह बृहस्पति, महान लाल धब्बों वाला ग्रह बृहस्पति। उपग्रह या इसके बच्चे का क्या नाम है, गैनीमीड। इतना बस आप लोग क्लियर करें, क्लियर रहेगा। ये हो गया बृहस्पति। नेक्स्ट ग्रह हम लोग चलते हैं शनि। स्वाभाविक बात है कि बृहस्पति के बाद शादी का नंबर किसका आएगा, शनि का। जब शनि का नंबर आता तो शनि की भी शादी सूर्य ने धूमधाम से की, और देखा जाए वर्तमान में जो बच्चों की संख्या है, वो बच्चों की संख्या कितनी है, तो 62 है, 62। स्वाभाविक बात है कि ये सबसे बड़ा है, तो इसके सबसे बड़े लड़के का क्या नाम है, गैनीमीड, जो सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद जिसकी शादी हुई शनि की, शनि दूसरे नंबर का है, इसलिए इसका उपग्रह जिसका नाम है टाइटन, वो दूसरे नंबर का हो सौर प्रणाली में। और जो टाइटन उपग्रह है उसी के पास खुद का वायुमंडल है, तो टाइटन किसका उपग्रह है, शनि का।
आप लोग देखेंगे कि जहां भी शनि भगवान की मूर्ति लगी होगी, शनि भगवान आप घर के सामने टांग देते हैं या शनि सिगड़ापुर महाराष्ट्र तक पहुंच गए होंगे, आप लोग कहीं भी जाके देखेंगे तो शनि जो स्टेचू बनती है वो काला रंग की बनती है। क्यों, माइंड किए कभी? या शनि की जो ड्रेस कोई पहन के आता है या शनि से संबंधित कुछ भी चीजें आपको दिखाई जाती है काला, क्योंकि जो शनि ग्रह है वो हमें काला, जनरली कहा काला दिखाई देता है, इसलिए काला ग्रह होने के वजह से हम लोग सब कुछ काला धारण करते हैं, क्योंकि शनि को खुश करना है इसलिए काला हो गया। तो ये शनि हो गया काला, इसी को चपटा ग्रह के नाम से जानते हैं, लघु वो आकाश गंगा सदृश के नाम से भी शनि को जानेंगे। अब देखा जाए कि जो शनि है, शनि के बाद किसकी शादी होगी? तो जो शनि है उसकी शादी किसकी शादी होगी? अरुण की होगी, और अरुण की भी शादी धूमधाम के साथ की जाती है। और वर्तमान में देखा जाए तो इसके पास 27 उपग्रह, कितने उपग्रह? 27। इसके आगे हम लोग देखें तो वो वरुण है, और वरुण के पास 14 उपग्रह, और ये दोनों हरे ग्रह हैं। आपको यहां माइंड करने हैं कि इन दोनों ग्रहों की खोज बाद में की गई, नहीं तो हम भी अगर पहले भी खोज हो गई रहती तो इनको खुश करने के लिए, इन दोनों देवता को खुश करने के लिए आप कैसा वस्त्र धारण करने लगते? हरा वस्त्र धारण करके घूमते फिरते रहते, इसलिए इन दोनों ग्रहों की खोज बाद में की गई। अब आप लोग देखें हम लोग किसकी शादी करवा दिए? बृहस्पति की, शनि की, अरुण की, वरुण की। अब शादी का नंबर किसका आएगा? तो आप कहेंगे पृथ्वी की, क्योंकि पृथ्वी उसके बाद सबसे बड़ा ग्रह है। तो जो पृथ्वी की शादी करने की बात आई तो पृथ्वी की भी शादी धूमधाम के साथ होती है, और पृथ्वी के पास एक बच्चा है जिसका नाम है चंद्रमा। यहां भी माइंड करें आप लोग, जो पृथ्वी ग्रह है वो पूरे सौर प्रणाली का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका जो उपग्रह है उसका नाम है चंद्रमा, और चंद्रमा पूरे सौर प्रणाली का पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह भी है। तो याद हो गया होगा, क्लियर होगा। और पृथ्वी में हम लोग विशेष चर्चा आगे करेंगे, सब कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, वहां तैयार हो जाएगा। इसके बाद शादी का नंबर अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि शुक्र का आना चाहिए, और शुक्र का आया भी। अब हुआ ये कि शुक्र आ गया था इलाहाबाद तैयारी करने, जब इलाहाबाद तैयारी करने के लिए आ गया तो शुक्र से कुछ लोग दबाव डाले कि भैया कब तक तैयारी करोगे? तो कहा जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक शादी नहीं करेंगे, ऐसा करना नहीं चाहिए, शादी कर लेना चाहिए। तो कहा कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक शादी नहीं करेंगे। तो लोग कहे कि भाई कब तक तुम नौकरी पाओगे, कब तक शादी करोगे? तो लोग दबाव भी डाले, नात रिश्तेदार आने लगे प्रेशर देने के लिए इस शुक्र के को, लेकिन शुक्र नहीं सुना और सब पे गुस्सा भी हो गया। गुस्सा हो गया या लक्षण जरा हम देख लें इलाहाबाद तैयारी करने वाले का, कि जब ये शुक्र अगर हम लोग देखें तो ये गुस्सा हो गया, और इसका दिमाग बहुत गर्म चलता है क्योंकि इसका तापमान सर्वाधिक है 475 सेंटीग्रेड। सभी ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। तो सबसे गर्म दिमाग किसका होगा? शुक्र का। तो शुक्र की से किसकी औकात है कि जब वो डांट दिया, कह दिया कि अब शादी हम नहीं करेंगे, तो किसकी औकात है शादी करवा ले? इसलिए शुक्र क्या हो गया? कुंवारा हो गया। और लक्षण देख लें, इलाहाबाद तैयारी करने वाले करते हैं क्या? डीबीसी लेते हैं, दाल भात चोखा, लेने के बाद खाएंगे, चद्दर तान के सो जाएंगे। उन बेचारे का रात दिन बड़ा हो जाता है वर्ष से, वो सोने में मस्त रहते हैं। ये भी देखिए जरा, इन महाशय का जो दिन है वो बड़ा हो जा रहा है 243 दिन, और जो रात है वो 225 दिन हो गई। तो यहां ये इतना सोने में मशगूल है कि इनका दिन इसके वर्ष से क्या हो गया? बड़ा हो गया। ये चीजें और देखें इनकी विशेषता, उल्टा पुल्टा काम करने वाला। सब लोग चल रहे हैं पश्चिम से पूरब, सब पश्चिम से पूरब चलने वाले हैं। ये क्या महाशय है? ये हैं पूरब से पश्चिम चलने वाले। और आठ भाई है ना कोई साथ देता है, कहता चल चल हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो देखें हम लोग कि जो शुक्र है, इस शुक्र भाई का साथ कौन भाई देता है? तो वो अरुण भाई ने साथ दे दिया। और जैसे शुक्र चलता है वैसे अरुण भी चलते हैं, कैसे? पूरब से पश्चिम। तो शुक्र की बात यहां पे रही, जितना भी उल्टा पुल्टा काम है ना कौन करेगा? शुक्र साफ करेंगे। प्रेशर कुकर बनाएंगे, कुकर में खाना बनाएंगे। यहां तो मैं इलाहाबाद देखा हूं कि एक ही कुकर में दाल चावल सब बन जाते हैं, है ना। तो इन चीजों को समझना है आप लोगों को शुक्र में। पृथ्वी की बहन या भगनी, जो भी चीजें, जुड़वा ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सब शुक्र से आप क्लियर करेंगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि जब शुक्र शादी नहीं कर रहा है तो हम मंगल को क्यों मारे, मंगल की ही शादी कर दी जाए। और मंगल की शादी भी धूमधाम से की जाती है। वर्तमान समय में दो बच्चे हैं, बड़ा बच्चे का नाम फोबोस है, छोटे बच्चे का नाम डोमोस है। फोबोस और डिमोस,
दो उपग्रह हैं किसके पास, मंगल के पास, इसकी शादी कर दी गई। इसके बाद हम लोग देखें शादी का नंबर बुध का आएगा, तो बुध जो है वो सूर्य का दुलरुआ बच्चा है, सबसे छोटा बच्चा है, अभी शादी नहीं की गई है, जब शादी करेंगे सूर्य उसका बुध का तो निमंत्रण आएगा, तो सबको पता चलेगा कि बच्चा भी होगा, जो भी चीजें हैं तो हम लोग वहां पर देख पाएंगे। तो दो उपग्रह हैं बुध और शुक्र जिनके पास उपग्रह नहीं है, लेकिन चंद्रमा वो मंगल पे थोड़ा सा काम हम लोग कर ले। मंगल ग्रह को देखा जाए तो मंगल ग्रह पूछ ले हम किस भगवान से जोड़े गए हैं, तो आप लोग कहेंगे बजरंग बली से मंगल को जोड़ा गया है, क्योंकि इसी मंगल जो ग्रह है इसी के आधार पर मंगलवार दिन पड़ा है, और मंगलवार दिन किसका होता है, तो आप उत्तर करेंगे बजरंग बली का। और आप लोग देखें चाहे जहां बजरंग बली का मूर्ति देखेंगे, बजरंग बली की मूर्ति कैसे दिखती है, सिंदूरी दिखती है, लाल दिखती है। ऐसा माना जाता है कि एक बार सीता माता ने बाल सवार के सिंदूर लगा रही थी, और तभी बजरंग बली पहुंच गए, पूछे कि माता ये क्या कर रही हैं आप, और पूछते हैं कि माता ये क्या कर रही हैं आप, तो कहती है कि सिंदूर लगा रहे, कहें इससे क्या होगा, तो कहें कि ये आपके प्रभु को बहुत प्रिय है इसलिए लगा रही हूं। तो कहें इतना सा सिंदूर लगाने पे प्रभु को इतना प्रिय है हमारे प्रभु को, रुको हम बताते हैं, बुद्धि तो है नहीं, गए सिंदूर रखा हुआ था उसी में छलांग लगा ली, जब छलांग लगा ली तो बिल्कुल सिंदूर उंदूर पोत के उसमें से निकले। तभी से ऐसी मान्यताएं बताई जाती है कि आप एक पाव सिंदूर लेते हैं, तिल का तेल लेते हैं, मिला देते हैं, जहां जहां बजरंग बली की मूर्ति रहती है उसको ले जाके आप सिंदूर से रगड़ देते हैं, चाहे गर्मी रहे, चाहे बरसात रहे, चाहे ठंडी रहे, बजरंग बली पसीना फेंकते रहे, लेकिन आप लोग रगड़ देते हैं। और भक्त हम लोग जाते हैं तो लगा के टीका मार के घूमते हैं। अब आपको यहां थोड़ा सा ध्यान देना है कि मंगल ग्रह जो है वो कैसा दिखता है, लाल दिखता है, इसी के कारण ही बजरंग बली को कहां कुदा दिया गया, सिंदूर में कुदा दिया गया, क्योंकि मंगल ग्रह लाल दिखती है, जब बजरंग बली लाल नहीं दिखेंगे तो हम पूजा पाठ कैसे करेंगे, इसलिए बजरंग बली लाल और मंगल ग्रह कैसा हो गया, लाल। अब आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों के माता जी को, मतलब सीता माता को रावण उठा ले गया था लंका, तो जब रावण उठा ले गया था तो सब ढूंढने लगे, खोजने लगे, खोजते हुए जब पहुंचते हैं बिल्कुल रामेश्वरम के पास, धनुषकोणी के पास, तो वहां पहुंच जाते तो हिंद महासागर सामने दिखता है, अब वहां कैसे उसको पार करके लोग जाएं, तो सब लोगों की बुद्धि गायब हो जाती है, ये होता है कि यहां से पुल बनाया जाए, तो लोग कहें पुल कैसे बनाया जाए, तो आप लोग जानते होंगे नल नील नामक दो लोग आते हैं, जो पत्थरों को बस छुएंगे पत्थर तैरने लगते हैं, उनको श्राफ रहता है कि जो कुछ पानी में फेंकेंगे तैरेगा, तो लोग कहते हैं कि ये पुल बनाने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि क्या हमारी सीता माता को रावण जब ले गया है तो लंका में ही रखा है कि कहीं दूसरे जगह रख दिया, ऐसा ना हो कहीं सातिराना चाल चल के वो वहां न रख के बल्कि कहीं दूसरी जगह रख दिया हो। तो लोग किसको कहते हैं जाने के लिए, हनुमान को, बजरंग बली को कहते हैं कि आप जाएं, तो बजरंग बली कहते हैं मही बचा, मही एक दिख रहा हूं आप लोगों को जाने के लिए, मैं कैसे जाऊंगा, तो आप लोगों को मालूम होगा कि बजरंग बली को एक श्राप दिया गया था कि जब तक आप लोगों को आपको आपके ज्ञान का कोई भान ना कराए और आपके शक्ति का ज्ञान ना कराए, भान ना कराए, तब तक आपको शक्ति का एहसास नहीं होगा, जैसे जब तक आप लोगों को हम लोग ना कहें या नहीं कोई बताए कि आप लोग भी बन सकते हैं, बीओ कौन सी बड़ी बात है, खंड शिक्षा अधिकारी कौन सी बड़ी बात है, उससे भी बड़े चीज बन सकते हैं, आप उस पर काम तो करिए, मेहनत करिए, सबके पास लगभग IQ एक बराबर होते हैं, बुद्धि लगभग सबके बराबर होती है, जो रणनीतियों को अच्छे ढंग से फॉलो कर लेता वही सक्सेस होता है, तब लगता वो हम भी कर सकते हैं क्या ऐसा। इसी प्रकार से जब बजरंग बली को बताया गया तो बजरंग बली कहें इतना पावर हमारे पास, बजरंग बली उड़ते हैं और जाते हैं लंका में। जब लंका में उतरते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा, वैसे सागर में ही बताया जाता है कि कोई मिलता है, मिलती है कोई डाइंग, मुंह में जाते हैं, कान से निकलते हैं, कैसे कैसे सब है। फिर इसके बाद जब पहुंचते हैं लंका में तो वहां सीता माता को अंगूठी दिखाते हैं, परिचय होता है, तो फिर लोग ये कहते हैं कि एक राम भगवान के दूत आए, राम के दूत आए हैं जो आपसे मिलना चाह रहे हैं, रावण से ऐसा कहा जाता है, तो रावण बुलाता है। जब बुलाता है तो बजरंग बली जब जाते हैं उसके जहां पर मंच लगा रहता है वहां पर पहुंचते हैं, तो रावण ऊपर बैठा रहता है, रावण गद्दी पर बैठा रहता है, बजरंग बली को कहता है बैठ जाओ, उनको गुस्सा आता है, एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी, एक तो हमारे माता जी को चोरा के लाया, दूसरे हमको कह रहे हैं नीचे बैठो, और बजरंग बली को गुस्सा आती है, पूंछ खोलते हैं, गुडरी गुडरी खोल के ऊंचा करके छलांग लगा के उसी बैठ जाते हैं। इतना पे रावण को गुस्सा आता है कि हमसे ऊंचाई पर बैठोगे, क्योंकि अहंकार से भरा हुआ था रावण, कहता बंदर की पूंछ में लगा हुआ। और जब आग लगा दी जाती है बजरंग बली कूद कूद के पूरे लंका को क्या करते हैं, जला देते हैं, फूंक देते हैं, ज्वाला ही ज्वाला कर देते हैं, पूरी सोने की लंका जल जाती है, कुछ इस कदर से जला दिए
कि जो लंका है सोने की, वो श्रीलंका वाले अभी भी पगला पगला के ढूंढते हैं, खोजते हैं कि न्यू भी मिल जाए तो वो खोद ले, खोद के ले जाके बेच के विश्व के धनी देश बन जाए, लेकिन कुछ ऐसा मिलता उलता नहीं। फिर बजरंगबली लंका फूंकने के बाद आप लोगों को मालूम है कि आके हिंद महासागर में कूद जाते हैं अपनी पूंछ को शांत करने के लिए, लेकिन उसी दरमियान बताया जाता है कि इनके पसीने से एक मछली से एक बच्चा हो जाता है जिसका नाम मकरध्वज है और मकरध्वज बच्चा हो जाता है। इसके बाद बजरंगबली अपनी पूंछ को बुझाने के बाद चले जाते हैं कहां पर, एक पर्वत है और उस पर्वत को आप सर्च कर सकते हैं, हनुमान पर्वत श्रीलंका में है और हनुमान पर्वत पे जाके वो लेट जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान पर्वत का अगर दृश्य आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल आपको दिखेगा, मुख दिखेगा, पैर, गदा, पूंछ, सब चीजें आपको आकृतियां दिखेगी, ऐसा दिखेगा वहां पर। तो ऐसा माना जाता है कि फूकने के बाद वहां लेटे हुए हैं। और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जब हम लोग वहां पर जाते हैं, या ऐसे भी कोई भी गया होगा तो उसको एहसास होगा कि जब जहां से पर्वत हमको दिखाई देने लगते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो लोग मानते हैं कि जो वैज्ञानिक मानते हैं कि जब वहां हम लोग जाते हैं तो जो दृश्य है और लोगों के जयकार और इतने भाव विभोर लोग हो जाते हैं कि जो हार्मोन सिक्रेशन होने की वजह से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाबा लोग बताते हैं कि बजरंगबली में इतना शक्ति है कि देखने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसा आपको मानना है वैसा मान सकते हैं। तो वो चीजें, तो उन्हीं जगहों से आप बिल्कुल मंगल ग्रह को क्लियर कर सकते हैं। मंगल ग्रह कैसा है? लाल ग्रह। क्यों? क्योंकि बजरंगबली कहां कूदे थे? सिंदूर में। मंगल ग्रह पर ही पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है, ओपिस मेसी। क्यों? क्योंकि बजरंगबली किसको फूंक दिए थे? श्रीलंका को। श्रीलंका को ज्वाला ज्वाला कर दिए थे, इसलिए सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर? मंगल ग्रह पर, क्योंकि बजरंगबली से जुड़ा है। फिर इसके बाद आप लोग देखें, बजरंगबली उड़ने के बाद आके हिंद महासागर में कूद गए थे, छलांग लगाए थे। हिंद महासागर क्या है? पूंछ कहां बुझाए? पानी में। तो जल होने की संभावना पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पे होगा? मंगल ग्रह पे। वहीं देखा जाए कि पसीने से बच्चा हो जाता है मछली से, तो जो जीवन है उसकी संभावना किस ग्रह पे? मंगल ग्रह पर। इसके बाद पूंछ बुझाने के बाद जाके एक पर्वत पे सो गए थे जिस पर्वत का नाम हनुमान पर्वत श्रीलंका में। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत या पूरे ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत की बात किया जाए किस ग्रह पर है, तो मंगल ग्रह पर है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। किस ग्रह पर? मंगल ग्रह पर, क्योंकि बजरंगबली कहां लेटे? मंगल ग्रह पर। तो इस प्रकार से हमारे जो सौरमंडल है उसको आप लोग बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे, और इससे संबंधित जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर डलवा दूंगा। तो आज के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।